तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस जाबाज बिल्ले को, जिसको पुस इन बूट्स के नाम से जाना जाता है। पुस एक भगोड़ा है और कानून इसकी तलाश में है। इनाम के लालच में एक आदमी पुस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उस आदमी के सोने के बाद पुस पिंजरा तोड़कर बाहर निकलता है। लेकिन तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है। वो आदमी पुस पर हमला कर देता है, लेकिन पुस उसको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दरअसल पुस अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है, मगर अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद पुस एक बार में आता है, जहां कुछ लोग इनाम के लालच में पुस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुस बड़ी फुर्ती से उन लोगों को हरा देता है। पुस कहता है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपने आप को बचाने के लिए वो लोग पुस से कहते हैं उन्हें उन तीन मैजिकल बीन्स के बारे में पता है, जिसको पुस काफी समय से ढूंढ रहा है। दरअसल उस मैजिकल बीन्स की बेल गोल्डन गूस के लैंड तक पहुंचा सकती है। वो गोल्डन गूस सोने के अंडे देती है, और जिसको भी वो गूस मिलेगी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। पुस ये बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, बताओ मुझे वो मैजिकल बीन्स कहाँ है। इस पर वो लोग पुस से कहते हैं, वो जैक एंड जिल के पास है, वो दोनों भी कानून से भाग रहे हैं। और इसके बाद हम जैक एंड जिल को देखते हैं, जो एक होटल में रात काटने के लिए आए हैं। कुछ देर बाद पुस उस होटल में आता है और उसकी नज़र मैजिकल बीन्स पर पड़ती है। पुस चुपके से कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एक और बिल्ला आ जाता है, वो भी मैजिकल बीन्स चुराने आया था। पुस उसे वहां से जाने को बोलता है, मगर वो पुस की बात नहीं मानता। और तभी जैक एंड जिल उन्हें देख लेते हैं। दोनों बिल्ले अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। पुस उस दूसरे बिल्ले को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि उसके कारण प्लान फेल हो गया। पुस उस बिल्ले का पीछा करता है और एक गली में आता है, यहाँ बहुत सारी बिल्लियां होती है। पुस और दूसरे बिल्ले के बीच डांस फाइट होती है, जिसमें पुस उस बिल्ले के सर पर गिटार मारता है, जिसमें बिल्ले का नकाब उतर जाता है। और पुस देखता है ये बिल्ला नहीं बिल्ली है, जिसका नाम केटी सॉफ्टपो होता है। और तभी यहाँ पर हम्प्टी आ जाता है। दरअसल ये पुस का बचपन का दोस्त है और किटी इसी के लिए काम करती है। उसे वहां देखकर पुस कहता है, धोखेबाज तू यहाँ क्या कर रहा है। हम्प्टी कहता है, तूने मुझे धोखा दिया था, तू मुझे छोड़कर भागा था। पुस कहता है, और उसका कारण तुझे अच्छी तरह पता है। तभी किटी दोनों को आपस में बहस करने से मना करती है, जिसके बाद हम्प्टी कहता है, देखो मैंने ही किटी को तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था, अगर हम तीनों मिल जाए तो हम उन बीन्स की मदद से गोल्डन गूस को हासिल कर सकते हैं। हम्प्टी आगे कहता है, देखो अगर तुम्हें बीन्स मिल भी गए तब भी तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहाँ पर बोना है, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें कहाँ पर बोना है। और ये बात जैक एंड जिल भी जानते हैं, वो वहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम्प्टी पुस को पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन पुस मना कर देता है और वहां से चला जाता है। किटी हम्प्टी से कहती है, फिक्र मत करो मैं उसे मना कर लाती हूँ। जिसके बाद वो पुस को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पुस नहीं मानता। जिस पर किटी कहती है, तुम्हारे और हम्प्टी के बीच ऐसा भी क्या बुरा हो गया जो तुम अड़ियल घोड़े की तरह जिद पर अड़े हुए हो। पुस कहता है, ये एक लंबी और दर्दनाक कहानी है किटी, तुम नहीं समझ सकती। किटी कहती है, रहने तो मुझे नहीं सुननी लंबी लंबी कहानियां। पुश कहता है, ठीक है किटी ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना है ना। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सालों पहले अनाथ आश्रम के बाहर एमेल्डा नाम की एक औरत को पुश एक बास्केट में मिला था, जहाँ उसकी दोस्ती हम्प्टी से हुई, जो बहुत इंटेलिजेंट था। उसी ने ही बिल्ले का नाम पुश रखा था। हम्प्टी बचपन से ही मैजिकल बीन्स के पीछे पागल था। वो पुश को बताता था कि एक दिन वो मैजिकल बीन्स को हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो उस किले पर पहुंचेगा जहां उसे सोने का अंडा देने वाली गूस मिलेगी। धीरे धीरे हम्प्टी का जुनून बढ़ता गया और वो चोर बन गया, लेकिन पुस का चोरी में दिल नहीं लगता था। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी पुस की नजर एक बैल पर पड़ती है जो बेकाबू हो गया था। पुस बहादुरी से उस बैल का सामना करता है और लोगों को उस बैल से बचाता है, जिसके बाद सारे लोग पुस की तारीफों के पुल बांध देते हैं। ये देखकर एमेल्डा पुस को जूते देती है, ये जूते इंसाफ और गर्व का प्रतीक थे। और इस तरह बिल्ले का नाम पुस इन बूट्स पड़ा। ये सब हम्प्टी को पसंद नहीं आता, क्योंकि अब वो इलाके का हीरो बन गया था। और एक रात वो पुस के पास आता है और उसको कहता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसको कहीं छुपना है। वो पुस को अपने साथ ले जाता है। हम्प्टी एक जगह पहुंचकर टांगा रुकवाता है और पुस को कहता है कि तुम यहीं पर रुको मैं अभी आया। वो दीवार पर चढ़ जाता है और कुछ देर बाद पैसों से भरे थैले टांगे में आकर गिरते हैं। पुस लालटेन की रोशनी में देखता है, ये एक बैंक था जिसे हम्प्टी ने लूट लिया। पुस गुस्से से भर जाता है, लेकिन तभी सिपाही वहां आ जाते हैं। पुस टांगा लेकर वहां से भागता है, एक ब्रिज पर आकर टांगा पलट जाता है और सीधा पानी में आकर गिरता है, जिसके साथ सारे पैसे भी पानी में ही गिर जाते हैं। हम्प्टी ब्रिज पर पड़ा हुआ पुस से उसको उठाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन पुस उसकी हेल्प नहीं करता और पानी में कूद जाता है, और सिपाही हम्प्टी को पकड़कर ले जाते हैं। तो इस तरह पुस भगोड़ा बना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी सुनते सुनते किटी सो गई थी। पुस कहता है, तेरा दिमाग हिल गया है, मैं इतनी देर से कहानी किसे सुना रहा हूँ। जिसके बाद हम्प्टी वहां पर आ जाता है और एक बार फिर से पुस से माफी मांगता है, जिसके बाद पुस हम्प्टी का साथ देने को तैयार हो जाता है। अगले दिन पुस और किटी जैक एंड जिल की बग्गी पर हमला कर देते हैं और थोड़ी हाथापाई के बाद वो मैजिकल बीन्स को हासिल करने में कामयाब होते हैं। इसके बाद वो तीनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर बीन्स बोने हैं। सफर के दौरान पुस और किटी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बीन्स बोने हैं। हम्प्टी पुस को बीन्स देते हुए कहता है, तुम इन बीन्स को बो। और जैसे ही वो बीन्स बोते हैं, एक बहुत बड़ी बेल उन बीन्स में से निकलती है जो सीधा आसमान की ओर जा रही थी। तीनों उस बेल की मदद से उस किले तक पहुंचते हैं जहां गोल्डन गूस है।
किले में घूमते हुए उन्हें किसी की भयानक आवाज सुनाई देती है। हम्प्टी बताता है ये उस राक्षस की आवाज है जो गोल्डन गूस की रक्षा कर रहा है। तीनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहां पर अनगिनत सोने के अंडे दिखते हैं, लेकिन ये अंडे इतने भारी है कि इनको ले जाना इनके बस की बात नहीं है। तभी उन्हें वहां पर गोल्डन गूस दिखती है, यही है जो सोने के अंडे देती है। जैसे ही गूस की नजर हम्प्टी पर पड़ती है वो उसे प्यार करने लगती है, क्योंकि ये भी तो एक अंडा ही है। वो तीनों गूस को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। तभी वो राक्षस उन्हें ढूंढने लगता है। वो जल्द से जल्द उस किले से बाहर निकलते हैं और आखिरकार गूस को अपने साथ ले जाने में कामयाब होते हैं। तीनों अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, जिसके बाद पुस हम्प्टी से कहता है मुझे खुशी हुई कि मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया। इसके बाद वो सब सो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर जैक एंड जिल पहुंच जाते हैं जो पुस को बेहोश कर देते हैं। और जब पुश की आंख खुलती है तो वो देखता है वहां कोई नहीं होता। पुश को हम्प्टी और किटी की चिंता होने लगती है। वो उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और उस शहर में आता है जहां हम्प्टी और पुश रहते थे। पुश पूरे इलाके में उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर हम्प्टी पर पड़ती है जो पुश को हैलो बोलता है, जिसके बाद हम्प्टी पुश को कहता है ये सब मेरे ही साथी है, मैंने ये सारा खेल रचा था। तुम्हें क्या लगता है ये सब सोना पाने के लिए था? नहीं, ये बदला लेने के लिए था। तुमने मुझे ब्रिज पर अकेला छोड़ दिया था और मैं सालों जेल में सड़ता रहा। जिसके बाद हम्प्टी सिपाहियों को बुला लेता है और सिपाही पुश को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। और हम्प्टी सबका चहीता बन जाता है, क्योंकि वो गूस की मदद से सबको सोने के अंडे बांट रहा होता है। जेल में पुश को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे बात करते समय पुश को पता चलता है वो जादुई बीन्स पहले इसी के पास थे, लेकिन हम्प्टी ने उन्हें चुरा लिया। बूढ़ा आदमी पुश को चेतावनी देता है, गोल्डन गूस की माँ अपने बच्चे को लेने जरूर आएगी और वो पूरा नगर उजाड़ देगी। और ये बात हम्प्टी अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसको सिर्फ अपना बदला लेना था। इसके बाद किटी पुश को बचाने के लिए जेल में आती है और पुश से माफी मांगती है। पहले तो पुश उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो अपने प्यार का इजहार करती है तो पुश पिघल जाता है। इसके बाद दोनों जेल में मौजूद सिपाहियों को हराकर जेल से बाहर आते हैं, जिसके बाद पुश सीधा हम्प्टी के पास आता है और कहता है अगर बदला लेना था तो मुझसे लेते, तुमने सारे नगर वालों की जान को क्यों खतरे में डाल दिया। हम्प्टी कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत थी, पर तुम्हें यहाँ रहना था इन लोगों के बीच, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे सिवा मेरा कौन था। हम्प्टी की बात सुनकर पुश को भी एहसास होता है कि उसने लोगों की नज़र में हीरो बनने के लिए अपने दोस्त का साथ कभी नहीं दिया। वो हम्प्टी से उसका दिल दुखाने के लिए माफी मांगता है और हम्प्टी से कहता है तुम बुरे नहीं हो हम्प्टी, हमें उन लोगों को बचाना होगा। हम्प्टी पुश की बात मान जाता है। तभी गूस की माँ नगर में पहुंच जाती है, वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, पूरे शहर में हलचल मच जाती है। पुश हम्प्टी से कहता है तुम गूस को ब्रिज पर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को वहीं लेकर आता हूँ। जिसके बाद पुश बड़ी बहादुरी से लोगों की जान बचाता है और गूस मदर पर लगाम लगाकर ब्रिज की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में जैक एंड चिल हम्प्टी को रोकने की कोशिश करते हैं। वो हम्प्टी से गूस को वापस मांगते हैं, लेकिन तभी किटी जैक एंड चिल पर हमला कर देती है, जिसके बाद हम्प्टी ब्रिज पर पहुंचता है, लेकिन मदर गूस टांगे पर हमला कर देती है, टांगा पुल से नीचे गिर जाता है। पुश हम्प्टी और गूस को बचाने की कोशिश करता है। उसके दोनों हाथों में एक एक रस्सी है, जिसमें से एक पर हम्प्टी लटक रहा है और दूसरी पर गूस। पुश दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है। पुश कहता है डरो मत हम्प्टी, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम्प्टी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय पुश, और इतना कहकर वो रस्सी छोड़ देता है। गूस बच जाती है और पुश उसको उसकी माँ को सौंप देता है। इसके बाद पुश पुल के नीचे देखता है, हम्प्टी टूट चुका था लेकिन अंदर से वो सोने से बना था, यानी कि वो एक गोल्डन एग था। मदर गूस उस एग को उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद पुश नगर में वापस आता है, जहाँ एक बार फिर लोग उसकी बहादुरी पर तारीफों के पुल बांध देते हैं और जो सम्मान पुश ने खोया था वो उसको मिल गया। लेकिन पुश अभी भी एक मुजरिम है, इसलिए वो आखिरी बार एमेल्डा यानी उस औरत से मिलता है जिसने उसे पाला था। उसको गुड बाय बोलकर पुश किटी के साथ शहर छोड़कर चला जाता है और अंत में हम पुश और किटी को डांस करते हुए देखते हैं। और यही होता है इस कहानी का अंत।